Hi guys, this is Tushar and welcome back to my channel. I have got a lot of DMs on Instagram and few comments on YouTube कि टायर स्टिकर्स कैसे इंस्टॉल करें एंड कहाँ से लगवाने चाहिए. सो वैसे तो मैं अपनी कार पे बहुत बारी टायर स्टिकर्स लगवा चुका हूँ, बट हर बारी एलॉय शॉप से लगवाता था. तो आज मैंने एक सेल्फ इंस्टॉलेशन किट मंगाई है टायर डेकोर से, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि खुद कैसे हम टायर स्टिकर्स लगा सकते हैं, साथ में प्राइसिंग भी बताऊंगा. सो मेक श्योर यू गाइस वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच स्टफ. गाइस, मैंने आज थोड़ा रोड साइड वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको नॉइस है, प्लीज उसे माइंड मत करना. अब आते हैं टायर स्टिकर्स की इंस्टॉलेशन के ऊपर. सबसे पहले ये जो आप अलॉय व्हील देख पा रहे हो, ये मैंने अपनी कार का फोर्ड एकोस्पोर्ट का निकाल लिया है. अब मैं आपको ये दिखाता हूँ गाइस, ये जो आप अभी देख पा रहे हो ये है सेल्फ इंस्टॉलेशन किट टायर स्टिकर्स की. ये मैंने टायर डेकोर से परचेस करी है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ. दैट्स व्हाई मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ कि अगर हम मंगवाते हैं उनसे तो कैसे लगाने चाहिए. सो ये टायर स्टिकर्स है गाइस, एंड ये ग्लू है, ये ब्रश है, एंड यहाँ पर उनके इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे लगाने चाहिए. सो गाइस, अभी ये अलॉय व्हील जो है इसको हम पूरा ढंग से साफ करेंगे. आप शैम्पू से कर सकते हो, पहले एक बार ही साफ करना है, उसके बाद मैं आपको आगे के स्टेप्स बताता हूँ. सो गाइस, अब मैंने इसको प्रॉपर ढंग से धो लिया है. एंड अब क्या करते हैं, एक आपको कपड़ा लेना है, उस कपड़ा लेने के बाद इसको ढंग से साफ करना है, बिल्कुल ढंग से करना है कि कोई भी डस्ट ना रहे. सो गाइस, जो मैंने टायर स्टिकर मंगाए हैं वो है योकोहामा के, योकोहामा और ऑरेंज कलर की आर्क. सो हम इसको डायगोनली लगाएंगे पहले, और मेक श्योर गाइस जब भी आप टायर स्टिकर लगा रहे हो वो रिम के इतने क्लोज हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं वो ऊपर लगा लेते हैं, एंड अगर आप ऊपर लगा लोगे तो होगा क्या, जब टायर पॉट होल्स में जाएगा तो वो क्रैक होने का डर रहता है, इसलिए मेक श्योर आप इसको रिम के क्लोज लगाएं. सो गाइस, आप देख पा रहे होगे मैंने प्रॉपर सेट कर दी है योकोहामा प्लस ऑरेंज आर्क. तो अभी ये चिपकाए नहीं है, अब हम इसके साइज के लिए क्या करेंगे, मैंने चौक ले रखा है तो चौक से मार्क कर लेंगे कैसा है. जैसे यहाँ पर ये हो गया, एंड यहाँ से इतना ये पोर्शन हो गया. तो अब मैं इसकी पेस्टिंग आपको बताता हूँ कैसे करनी है. तो ये हमने मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद ये सारे अब हम हटा देंगे. उसके बाद ये जो ब्रश आता है किट में, इससे हमें ये जो आप देख पा रहे हो ना छोटे छोटे, ये हमें घिसने हैं ऐसे ऐसे. सो ये प्रोसेस हमें पूरा करना है, यहां से इतना, यहां से इतना. सो गाइस, अब ये पोर्शन करने के बाद, अब ये मैंने इसमें थिनर ऑलरेडी डाल दिया है. थिनर उनकी साइड से नहीं आता, टायर डेकोर वाले नहीं देते हैं गवर्नमेंट रीजंस की वजह से, ये मैंने खुद परचेस करा है, ये उनकी साइड से बॉटल आती है. तो हमें क्या करना है, इसमें मैं ऑलरेडी थिनर डाल चुका हूँ, तो हम ये अच्छी तरह, ये आप देख पा रहे होंगे जहां हमारे को टायर स्टिकर लगाने हैं, ये ऐसे मार्क कर लेंगे, एंड उसके बाद ही आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो, एंड ढंग से साफ करना कि उसमें मिट्टी ना रहे. सो गाइस, अब ये वाला जो पोर्शन था मैंने ढंग से क्लीन कर दिया है. एक रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि आप ये ऐसे ग्लव्स खरीद ले बाहर से, क्योंकि होता क्या है, जब भी जो इनकी ग्लू आती है ना, अगर आप पेश करोगे एंड अगर आपके हाथों पे लग जाए तो बहुत पेन होता है, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा. ये 5 रुपीज के ग्लव्स आते हैं, कोई भी मेडिसिन शॉप पे इजिली मिल जाएंगे. सो अब मैं आपको करके बताता हूँ कि ये लगाना कैसे. सो ये वायोसियम स्टार्ट करेंगे, सारे नहीं करके दिखाऊंगा, अदरवाइज आप भी बोर हो जाओगे. एक आपको रख के दिखाऊंगा कि कैसे करना है. गाइस देखो, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, बट हाँ पूरा ट्राई है कि अच्छी ढंग से आपको समझा पाऊँ. पर ग्लू लगा दी है, एंड अब मैं स्टार्ट करता हूँ. सो ये वाई ओ, मेक श्योर गाइस रिम के क्लोज हो, अदरवाइज चांसेस ही होंगे कि अगर आप ऊपर लगाओगे तो वो खराब हो सकता है. एंड यहां से रिम के क्लोज ऐसे स्टिक कर देना, एंड इसको हल्का सा प्रेस करके रखना है. सो गाइस, अब ये वाला जो अलॉय था प्रॉपर ढंग से कवर हो गया है. कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी लुक कैसे लग रही है. एक चीज अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन भी आप टायर स्टिकर्स लगा रहे हो, उस दिन मेक श्योर कि कार आप ना चलाएं. अगर आप चलाते भी हो तो 6 to 8 hours बाद चलाएं कि जो टायर स्टिकर्स है वो ढंग से स्टिक हो जाए, उनको भी थोड़ा टाइम मिल जाए कि वो ढंग से ड्यूरेबल हो सके. गाइस, फोर्ड एकोस्पोर्ट में ना 5 alloys आते हैं, तो एक alloy तो ये आपने देख लिया, मैं चारों पे और लगाता हूं और फिर आपसे डिस्कस करूंगा कि इसमें कितना टाइम लग जाता है.
आपने देख लिया होगा कि टायर स्टिकर्स लगाने के बाद गाड़ी भी कैसे लग रही है, रनिंग शॉट्स आपने एंजॉय करे होंगे। अब आते हैं कि इसको लगाने में कितना टाइम लगा। सो गाइस इट टुक ऑलमोस्ट 4 आवर्स, मेरे तो वैसे देखो 5 लोज है तो हो सकता है मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, बट आपको भी मान के चलो 3 आवर्स तक लग जाएंगे क्योंकि लेंथी प्रोसेस है, बट वर्थ इट है। जब गाड़ी पर लगा लेते हैं ना तो एक अलग ही फील आती है। अब आते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। फोर्ड एकोस्पोर्ट में गाइस 5 अलॉयस आते हैं, तो मैंने इसकी एडिशनल कॉस्ट पे करके 5वें अलॉय के लिए स्टिकर्स मंगाए। सेम पैटर्न अगर आप मंगवाते हो 4 टायर का तो डेट वुड कॉस्ट यू अराउंड ₹3000 विद सेल्फ इंस्टॉलेशन किट एंड शिपिंग चार्जेस। तो मैं ऐसा करूंगा जो टायर डिकोर है उनका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आप लोग उनको डायरेक्ट रीच आउट कर सके एंड उनसे ऑर्डर कर सके। अब मेरे बहुत सारे भाई कहेंगे कि भाई मेरे पास तो योकोहामा का टायर नहीं है, जैसे किसी के पास चाइनीज टायर होता है तो वो चाइनीज का, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कंफोजर है तो आप वो भी उनसे कस्टमाइज करवा सकते हो, आप उन्हें रीच आउट करें एंड वो आपको प्राइसिंग बता देंगे। सो एक चीज मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा गाइस, मेक श्योर, जैसा कि मैंने वीडियो में बोलता है ग्लव्स उनके साइड से नहीं आते हैं, बट इट्स टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड कि आप ग्लव्स ले लें। एंड आप इसकी हालत देख पा रहे होंगे, ये फट गए बट मेरे हाथों पर कुछ भी नहीं हुआ था। एंड इसके साथ मेरी 2 ग्लूस आई थी तो इतनी ग्लू अभी बची हुई है। सो ये फेंके ना इसको अपने पास रखें, क्योंकि होता क्या है कभी कभी स्टिकर्स हल्के हल्के साइड से रिमूव होने लग जाते हैं, तो ये ग्लू आपकी जरूर हेल्प करेगी। सो गाइस अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो मेक श्योर आप ये वीडियो शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो मैं ये वीडियो IGTV पे भी पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पर, सो आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस फॉर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय बूम।